जय माई की। शायद आज आप विश्वास न करें, किंतु इस विषय पर कुछ भी चर्चा करना बहुत अच्छा नहीं लग रहा। क्या किसी प्रामाणिक साधक को अब यह बताना पड़ेगा कि श्री बगलामुखी या उनकी कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं आ सकती? यह कोई भूत प्रेत अथवा निम्न वर्गीय देवी नहीं है, यह तो मूल प्रकृति है जिसकी कृपा की आशा त्रिदेव भी करते हैं। किंतु यह सब बताने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि आध्यात्मिक समाज में कुछ इस तरह के लोग भी आ गए हैं जो यह दंभ भरते हैं कि उनके ऊपर मां बगलामुखी की शक्ति आती है। ऐसे ही किसी दंभी से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब उसके कथित गुरु पर माई की शक्ति आती है तो वे बहुत सारी हल्दी खाने लगते हैं। तब मैंने भी हंसकर उन्हें जवाब दिया, फिर तो मेरे ऊपर भी अन्नपूर्णा माई को आना चाहिए, क्योंकि मैं तो सारा दिन अन्न ही खाता हूं। बात हास्यास्पद जरूर है, किंतु समझने की है। क्या 10 महाविद्याओं में से कोई भी देवी या उनका आवेश किसी के ऊपर आ सकता है? मां बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। इनकी उपासना ब्रह्मा से लेकर विष्णु शिव ने भी की। इसके अलावा सनकादिक ऋषि, नारद, शांखायन ऋषि, कार्तिकेय, परशुराम, च्यवन ऋषि, अश्विनी कुमार, हनुमान, अंगद, मेघनाद, भगवान श्री राम और कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन, कर्ण और आदि शंकराचार्य ने भी समय समय पर इनकी साधना कर अपनी अभीष्ट को प्राप्त किया। क्या यह संभव है कि ऐसी जगत नियंता का आवेश किसी के ऊपर आए? यह बात अति निंदनीय और खंडन करने योग्य है। हाँ, यह बात और है कि कुछ लोगों को प्राकृतिक रूप से यह सामर्थ्य अवश्य प्राप्त हो सकता है कि वे भूतकाल की कुछ घटनाओं को जान सकते हैं और इसी को आधार बनाकर वे अपना व्यापार चलाते रहते हैं। किंतु यह बहुत थोड़ा सा ज्ञान हो जाना भी एक आंतरिक विज्ञान है जिसे वर्तमान समय में आसानी से समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। किसी की समझ में यदि नहीं आता तो वह यहाँ आकर प्रामाणिक रूप से इस विषय पर चर्चा कर सकता है। जो कथित साधक इस तरह के दंभ में उलझे हुए हैं, उन्हें भी उनके साथ हो रहे इन घटनाओं के संबंध में जानने का पूर्ण अधिकार है। मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ यह सब क्यों और कैसे घट रहा है, यह जान लेने के बाद उनका यह दंभ तिरोहित हो जाएगा। हमारा यह प्रयास किसी की आस्था विश्वास को क्षति पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मेरा यह मानना है कि सत्य को अंगीकार करने से हमारे जीवन में दिव्यता आती है। तो हम सत्य का साक्षात्कार करें, न कि हल्दी, कपूर, आग और अंगार खाने वाले मदारियों के चक्कर में पढ़कर अपना समय नष्ट करें। माई की कृपा समान रूप से सभी के ऊपर होती है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम इस दिशा में चलना प्रारंभ तो करें। मेरा प्रयास मां बगलामुखी साधकों को सत्य के सबसे करीब ले जाने का है, किसी को नीचा या गलत ठहराने का नहीं। दर्दे दिल अपना सुनाकर मुझे क्या लेना है, उनको एहसास दिलाकर मुझे क्या लेना है। एहतमाम आपकी खातिर किया है मैंने, वरना वज्म अपनी सजाकर मुझे क्या लेना है,
उनको एहसास दिलाकर मुझे क्या लेना।